हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉक विद तनवीर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फोटोशॉप की सीरीज में आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग टेक्स्ट टूल के द्वारा कैसे हम लोग किसी टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, इसके अलावा मोटा करते हैं, दो शब्दों के बीच की दूरी बढ़ाते हैं, घटाते हैं। इसके अलावा अगर हमको टेक्स्ट रैपिंग का प्रयोग करना हुआ तो हम लोग कैसे करेंगे। दोस्तों, बीच में मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अगर हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। सबसे पहले फोटोशॉप को ओपन करेंगे। फोटोशॉप को ओपन करने के बाद हम एक न्यू पेज ले लेते हैं, न्यू पे जाएंगे, उसके बाद न्यू का ऑप्शन दे रहा है, इस पर जाने के बाद ओके करेंगे। उसके बाद हम टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट टूल दे रहा है। टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी साइज जो है वो थोड़ी अधिक है, इसके लिए हम साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और 72 कर लेते हैं। अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पे सचिन। अब हम क्या काम करते हैं, इस चीज़ को अगर इसकी साइज जो लिखी हुई है इसको बड़ा करना है, तो बड़ा करने के लिए आप इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे, देख रहे हैं ये 6 से 72 तक मैक्सिमम दिया हुआ है, लेकिन अब हमको मैन्युअली इसकी साइज बढ़ानी होगी। तो मैं यहाँ पे इसकी साइज अभी लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए 120। अब हमें को इसको सेंटर में लेके आना है, हम मूव टूल को सेलेक्ट कर लेंगे। मूव टूल को सेलेक्ट करने के बाद इसको हम ड्रैग कर लेंगे। अगर इसकी साइज और बढ़ानी है तो आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद इसके बाद जैसे मान लीजिए कि इस टेक्स्ट की जो हम लिखे हुए हैं इसका कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के फिर से हम टी टेक्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और इसको डबल क्लिक करेंगे। जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, ब्लैक कलर वाला ऑप्शन दे रहा है, इस पर जाने के बाद आप मान लीजिए रेड कलर चाहते हैं, ओके करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। देख लीजिए हमारा कलर जो है। अब हम क्या काम करते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे और इसमें कुछ और लाइन लिख लेता हूँ मैं, सचिन, उसके बाद रमेश, मनीष। अभी आपको टेक्स्ट दिख नहीं रहा होगा, तो इसके लिए हम थोड़ा सा आप देख रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ है। अब दोनों टेक्स्ट के बीच की दूरी जो है वो बहुत अधिक है। अब हम चाहते हैं कि हमारे टेक्स्ट की जो टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो मोटा हो जाए या कैपिटल लेटर में हो जाए, जिस प्रकार से जो जो सुविधाएं चाहते हैं। अब हम क्या काम करेंगे, फिर से हम यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर, चलिए सबसे पहले इसको काम करते हैं, हम फॉन्ट को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएंगे ये फॉन्ट में और इसको हम एरियल ले लेते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ से हमारा फॉन्ट जो है वो चेंज हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि मान लीजिए हमारा टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो जाए, मोटा हो जाए, तो हम आएंगे इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको दिख रहा होगा रिजल्ट कि मोटा हो गया, लेकिन ये आएगा कहाँ से, इसके लिए भी हम इसको कट कर देते हैं और यहाँ से भी गायब कर देते हैं। अब आपको कुछ नहीं दिख रहा है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर से टी वाले ऑप्शन पे आएंगे और जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से हमारा ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं, इसको सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट करने के बाद अब इसको हम थोड़ा सा साइज जो है इसको थोड़ा इसकी साइज थोड़ी सी कम कर देते हैं, हम 120 कर देता हूँ मैं। अब आप देख रहे हैं कि मान लीजिए कि मुझे इन दोनों जो लाइन लिखी गई है इन दोनों लाइनों के बीच की दूरी कम और ज़्यादा करना है, तो आप इस पर आएंगे और अभी मैं 6 कर देता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि तीनों जो हमारे शब्द लिखे गए थे सब एक के ऊपर एक हो गए हैं, लेकिन इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी 72 कर देता हूँ, देख रहे हैं काफ़ी नज़दीक हो गया। थोड़ा सा और बढ़ाना है या मैं ऑटो कर देता हूँ, जैसे था वैसे हो जाएगा, कैसा चाहते हैं उस प्रकार से आप कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि इसके अंदर अगर आप चाहते हैं टेक्स्ट की जो दूरी है
जैसे जो अच्छा और कम हो जाए, तो इसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। अभी मैं 50 कर देता हूँ, देखिए इन दोनों के बीच की दूरी और बढ़ गई, और मैं कर देता हूँ 100 कर देता हूँ, फिर दूरी बढ़ गई। अगर मुझे मैं ऑटो कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ, दूरी कम हो गई। अब बात आती है, तो यहाँ से हम इसको बोल्ड कर लेंगे, और अगर हम मुझे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट मुझे जो है इटैलिक में चाहिए, टेढ़ा में चाहिए, तो इस पर क्लिक करेंगे, हमारा जो है टेक्स्ट टेढ़ा हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपको टेक्स्ट जो है वो कैपिटल लेटर में चाहिए, मतलब कैप्स लॉक में चाहिए, तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सारे टेक्स्ट कैपिटल लेटर में हो जाएंगे, कैप्स लॉक में हो जाएंगे। जैसे इसको अनचेक करेंगे वो आपके टेक्स्ट जो होंगे फिर से कैप्स लॉक से हट जाएंगे। उसके बाद मान लीजिए कि आपको अंडरलाइन चाहिए, तो इस पर क्लिक करेंगे, और अंडरलाइन हटानी है तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको भी आप यूज कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू को, जो आप इन टेक्स्ट की हॉरिजॉन्टली साइज बढ़ाना चाहते हैं तो इस पर आएंगे, और यहाँ पे जो 100 लिखा हुआ है 200 करके देख लेते हैं। जैसे ही किया इसका जो साइज है वो बदल गया। चलिए फिर से हम सही कर देते हैं। इसके अलावा अब टेक्स्ट के और अंदर हम चलते हैं, इसको भी हम हटा देते हैं, और कुछ इसको हटा के मैं कुछ अलग से लिख देता हूँ। मैंने ऐसा लिख दिया। अब हम क्या काम करते हैं, आप लोग फोटोशॉप के अंदर या कभी कभी देखे होंगे कि टेक्स्ट रैपिंग का प्रयोग करते होंगे, इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और इस पर हम क्लिक करेंगे। आपको दिख रहा होगा अभी कोई टेक्स्ट रैपिंग नहीं है, नन है। यहाँ पर आएंगे और इसको मैं आर्क कर देता हूँ। जैसे ही मैंने आर्क किया, अब आप देख रहे हैं कि ये हमारा आर्क रूप में बन गया है। इसको आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ऊपर नीचे जिधर का भी आपको बेंड करना है उस हिसाब से आप बेंड कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किस प्रकार से मोटा चौड़ा करना है आप उसको यूज कर सकते हैं। अब इसमें आपको और चीज़ मिलेंगे, जैसे कुछ इस प्रकार से, जैसे फ्लैग के डिज़ाइन में। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनके भी काम आ सके। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।